मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संसार पुस्तक है। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी को तो आप सब जानते ही होंगे, जानते हो ना, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और बच्चों से उन्हें बेहद लगाव है और वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों से उन्हें बहुत प्यार है और किस नाम से जाने जाते हैं? चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। अब तो पहले पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें कि ये जो पाठ है ये कोई लेख वेख नहीं है, एक चिट्ठी है, एक पत्र है जो पिता के द्वारा पुत्री को लिखा गया है। और उसमें संसार की के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना, ठीक है ना, और दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता जो होती है, वो चिट्ठियों के माध्यम से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को बताया करते थे, ठीक है ना। और उन्होंने ऐसी कई चिट्ठियां लिखी, उन्हें उसमें उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि किस प्रकार से जो ये दुनिया है वो निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती गई, ठीक है ना। तो ये सभी जो चिट्ठियाँ हैं वो पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक के रूप में संकलित हैं। उसी में से ये जो एक लेटर है, ये जो एक पत्र है संसार पुस्तक है, इसे लिया गया है। और नेहरू जी ने ये जो सारे पत्र हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हैं? अंग्रेजी में। और इनका जो अनुवाद है वो हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। आपने इनकी एक कहानी भी पढ़ी होगी आपकी पुस्तक में, पार्ट 3 नादान दोस्त, वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा ही लिखी गई थी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या लिखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा। किस समय लिखा? जिस समय वह 10 साल की थी और मसूरी में रहती थी। इससे पहले 10 साल से पहले इंदिरा गांधी अपने पिता के साथ ही रहती थी और वहाँ पर जितने भी सवाल करती उनका जवाब देने की वह पूरी पूरी कोशिश किया करते थे। उसके बाद भी उन्हें जैसे जैसे समय मिलता वो अपनी पुत्री के लिए एक पत्र लिखते, उसमें जो भी संसार के बारे में जो भी जानकारी होती उनको एक पत्र में संजोकर उन्हें बताते थे। अब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पत्र लिखा था, उस समय जो नेहरू जी हैं वो इलाहाबाद में रहते थे और इंदिरा गांधी जी मसूरी में। मसूरी में रहने से पहले इंदिरा गांधी अपने पिता के साथ रहती थी। वह नेहरू जी से कई बार दुनिया के बारे में पूछती और नेहरू जी भी उन्हें ये सारी बातें बताते थे। और उसके बाद जब वह मसूरी चली गई तो पत्र के जरिए ही उन्होंने इस संसार की सारी बातें उन्हें बताई, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं ये पाठ संसार पुस्तक। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जो नेहरू जी हैं वो बता रहे हैं कि जब उनकी बेटी उनके साथ रहती थी, मतलब 10 साल की उम्र से पहले जब उनकी बेटी उनके साथ रहती और उनसे सवाल जवाब, उनसे कुछ बातें पूछा करती थी तो उनके जवाब देने की वे कोशिश करते थे। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, मैंने आपको बताया कि अब इंदिरा गांधी जी कहाँ आ गई हैं, मसूरी में। इंदिरा गांधी जी को आप जानते हो ना, ये भी हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और नेहरू जी की बेटी हैं। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते जैसे हम आमने सामने बैठ के बातचीत करते थे पहले, अब हम वैसे बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि तुम तो मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया के और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएँ लिखा करूँ। मतलब नेहरू जी सोच रहे हैं कि अब तुम मेरे पास नहीं हो तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं दुनिया के छोटे बड़े जो देश हैं
इस दुनिया में, उनके बारे में छोटी छोटी कथाएं तुमको लिखूं ताकि तुम इस देश को, इस संसार को जान सको। देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब नेहरू जी अपनी पुत्री को बता रहे हैं कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में कुछ जानकारी तो ले ली, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि जो हिंदुस्तान और इंग्लैंड है वो दुनिया का एक छोटा सा ही हिस्सा है। इसके अलावा भी इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी हैं। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस देश के बारे में, इस दुनिया के बारे में जानने का शौक़ है, क्योंकि जिस चीज़ों के बारे में तुमने जाना, मतलब इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में तुमने जाना, मतलब इन चीज़ों के बारे में ही जाना है, तो ये तो दुनिया के बहुत छोटे से हिस्से हैं। अगर तुम्हें दुनिया का पूरा हाल जानने का शौक़ है, मतलब तुम्हें इच्छा है, तो तुम्हें इस दुनिया में जितनी भी जातियां हैं उनके बारे में जानना होगा, इस दुनिया में कितने देश हैं उनके बारे में जानना होगा। ध्यान रखना पड़ेगा केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मतलब तुम्हें सिर्फ उस चीज़ का ध्यान नहीं रखना है कि जिस देश में तुम पैदा हुई हो उस देश का ध्यान नहीं रखना है, तुम्हें दुनिया के सारे देशों का, उन छोटे बड़े हिस्सों का, सबका ध्यान रखना है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। अब जो नेहरू जी हैं वो अपनी बेटी से कह रहे हैं, इस पत्र के ज़रिए बता रहे हैं कि मुझे मालूम है कि मैं इन पत्रों के माध्यम से तुम्हें बहुत कम जानकारी दे पा रहा हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। मतलब नेहरू जी उन्हें बता रहे हैं कि ये जो दुनिया है वो पूरी एक है, हम इसे टुकड़ों में नहीं बांटते हैं, और इस दुनिया में रहने वाले लोग आबाद हैं और सब मेरे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों की का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। मतलब मैं तुम्हें सिर्फ कच्चा पक्का जो चिट्ठा है वो बता रहा हूँ कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह की जातियाँ हैं, किस तरह के लोग हैं, ये सब चीज़ें तुम इन पत्रों के माध्यम से समझ जाओगे। लेकिन जब तुम बड़ी और बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि जो इस दुनिया में जो लोग हैं वह तुम्हें मोटी मोटी किताबों में पढ़ने को मिलेगा, उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। मतलब ये जो तुम दुनिया का हाल चाल किताबों में पढ़ोगी ये किसी उपन्यास और कहानी में भी नहीं मिलेगा जितना आनंद तुम्हें इन किताबों के जरिए मिलेगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। अब जो नेहरू जी हैं वो अपनी पुत्री से कह रहे हैं पत्र के जरिए कि तुम जानती हो कि ये जो धरती है ये कितने वर्ष पुरानी है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमी से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। जानदार चीज़ मतलब जिसमें कोई जीव जान ना हो, मतलब आत्मा ना हो, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं थी। जब पहले तो ये धरती कैसी थी, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, और यहाँ पर कई सालों तक, मतलब कई दिनों, कई सालों तक, कई हजार सालों तक तो आदमी का नामो निशान भी नहीं था। और आदमी से पहले भी यहाँ पर कौन आए थे, सिर्फ जानवर आए थे, और जानवरों से पहले भी एक समय ऐसा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। मतलब जो नेहरू जी हैं वो अपनी पुत्री से, इंदिरा गांधी से बता रहे हैं कि इस बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल है, ख्याल करना भी मुश्किल है कि आज जब ये पूरी दुनिया आदमियों से, जानवरों से भरी है, उस समय ये खाली कैसी दिखाई देती होगी। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय
को खूब सोचा और पढ़ा लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी, मतलब बहुत गर्म थी, ज्वालामुखी जैसी, और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम इसकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। मतलब सिर्फ किताबों के ज़रिए नहीं, हम इस मतलब किताबों के ज़रिए ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ सचमुच ऐसी ही बात होगी कि यहाँ पर कई सालों पहले कोई जानदार चीज़ नहीं रही होगी। देखो हमने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने अपने पुत्री को एक पत्र लिखा, उसमें ये सारी बातें बता रहे हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की शुरुआत हुई, कैसे मनुष्य ने अपने आप को विकसित किया, कैसे समझा, कैसे जाना, ठीक है, और किस प्रकार से सोचने समझने की शक्ति पैदा हुई, किस प्रकार से धरती पर लोगों का जीवन आया, ठीक है ना, ये सारी बातें नेहरू जी अपनी बेटी को एक पत्र, इस पत्र के माध्यम से समझा रहे हैं। धन्यवाद।